और चलिए अभी अभी समझते हैं कि किसी भी सेल्फ वेट के कारण अगर कोई रेक्टेंगुलर बार है, मान लीजिए सर्कुलर बार है, ठीक, तो इसका सेल्फ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्शन होगा वो अभी हम निकालेंगे। यदि रेक्टेंगुलर बार होता तो समझिए कि ये एक रेक्टेंगुलर बार है, ये बड़ा है, ठीक, ये एक रेक्टेंगुलर बार है, तो इसका ऊपर से ये फिक्स है ऐसे, ठीक, ये फिक्स है, तो इसके वेट के कारण कुछ तो डिफ्लेक्शन होगा, इलोंगेशन होगा। इसका वेट अगर नीचे लग रहा है तो कुछ तो इलोंगेशन होगा ना, आप जानते हैं कि अगर वेट लग रहा है सेल्फ वेट के कारण कुछ ना कुछ इलोंगेशन होगा। ये इतना जल्दी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है इसको होने में, पर कितना अमाउंट से होगा उसको अभी हम समझते हैं। और देखिए, मैंने क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इलोंगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू सेल्फ वेट, या रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो, मेथड सेम है, आप कर लीजिएगा। फिर तो पहले ये फिगर समझ लेते हैं। फिगर में क्या है कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बार है, ठीक, उसके बाद मैंने एक यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, देखिए इस पोर्शन के लिए इतना ही वेट लग रहा है, फिर इस पोर्शन के लिए इतना वेट, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं उसे उसे वेट बढ़ता जा रहा है, जितना जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है हमारा, इसके लिए इतना ही वेट इसको इलोंगेट कर पाएगा, जो टॉप मोस्ट पोर्शन है इसको होल वेट इलोंगेट कर पाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स लेंथ लिए और पी सपोज किए कि फोर्स पर यूनिट लेंथ है पी, तो अगर एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स फोर्स हो जाएगा, ठीक, और हमारा इनिशियल फार्मूला क्या होता है, फोर्स इन पी एल बाई ए इंटू ई, पी एल मीन्स पी मतलब फोर्स इंटू एल लेंथ, जो हमारा लेंथ है, ठीक। उसके बाद इस पर कितना फोर्स लगेगा, इसके नीचे जितना भी है सब फोर्स लगाएगा ना, इसीलिए मैंने पी एक्स लिखा है, ठीक है, ये समझ में आपको आया। और उसके बाद पी क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, अगर फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, अगर फोर्स है तो फोर्स को हम पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं ना, इनटू वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा ना, यूनिट वेट है। आप देखिए, तो यहाँ पे मैंने एरिया लिखा है क्योंकि हाइट एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी वॉल्यूम हो जाएगा, तो मैंने इसको गामा इंटू ए इंटू एक्स लिखा है, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हमारा स्ट्रिप पे मिल गया, स्मॉल स्ट्रिप है, इस पर हमारा डिफ्लेक्शन मिल गया, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से एल, जीरो यहाँ पे है एल, जीरो से एल, अगर जीरो से एल, यदि हम जीरो से एल का एक छोटा स्ट्रिप लेकर जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे तो मिलेगा, अब गामा जो है कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द, उसके बाद ई भी कांस्टेंट रहेगा, वैरी कौन कर रहा है, एक्स डिस्टेंस वैरी कर रहा है हमारा, तो एक्स का इंटीग्रेशन ले रहे थे एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का वैल्यू पुट किया एल स्क्वायर बाई टू, अब ए को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे, तो ए इंटू एल लिखेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉल इसका वेट हो जाएगा, वेट तो क्या होगा डब्ल्यू एल बाई टू ए ई आई, यही हमारा फार्मूला होता है। ये आपका एग्जाम में कहीं सेमेस्टर एग्जाम में डिराइव करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन अगर जो आपका एसएससी जेई है या गेट है, ये एक मार्क्स का, या तो अभी तो गेट का पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो गेट का पैटर्न चेंज होने में क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन छोटा है पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डालने के लिए उस बेहतर है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन पूछते हैं, तो चार क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना, ये तो ये दे देंगे कि सेल्फ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्शन होगा, एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, जैसे कि इन्वायरमेंटल में पिछले बार देखे थे कि एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन था और गेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन था कि आपको एक ही क्वेश्चन में तीन चीज़ फाइट करना है, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन मांग रहा है कि किसी और चीज़ का, फिर नीचे में एक सेल्फ वेट के कारण, तो वहाँ पे आप इसका फार्मूला डब्ल्यू एल वाई टू ए ई आई लगा सकते हैं, और ये हमारा फार्मूला है, ये सेल्फ वेट का है। अगर इसमें नोट में और लिख लीजिए आप,
ये फॉर्मूला लिख लिया डब्ल्यू एल वाई टू ए आई, ठीक है। उसके बाद नोट में नोट करके आप एक चीज़ और लिख लीजिए, नोट करके आप एक चीज़ और लिख लीजिए। देखिए अगर ये है, अगर इसका स्ट्रेस का डायग्राम बोलेगा तो स्ट्रेस का डायग्राम ऐसे होगा, क्योंकि बॉटम टॉप में कम लग रहा है ना, बॉटम में हमारा क्या हो रहा है, फोर्स कम लग रहा है तो स्ट्रेस भी कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जैसे कि हम लटकते हैं तो स्ट्रेस हाथ पे ज़्यादा आता है ना, पैर पे स्ट्रेस कम आता है। जब आप किसी पेड़ पे या कहीं भी लटक रहे हो तो उसमें क्या होता है कि हाथ पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है और पैर पे स्ट्रेस कम आता है। तो स्ट्रेस का डायग्राम देखिएगा, ये वाला स्ट्रेस का डायग्राम होगा, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और, यदि आपसे हम बोले कि हमारे पास दो डायग्राम है, दोनों का लेंथ सेम ही है, वेट सेम है और मटेरियल प्रॉपर्टी सब सेम है, इसमें क्या है कि सेल्फ वेट के कारण लग रहा है, सेल्फ वेट, और इसमें क्या है कि वेटलेस है, ये वेटलेस है। यदि वेटलेस है और W लग रहा है यहाँ पे, अगर ये W लग रहा है और वेटलेस है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एल वाई ए इंटू ई। यदि लेकिन अगर यहाँ पे कोई वेट नहीं लग रहा है, यहाँ पे जीरो वेट लग रहा है और ये इसका वेट है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेट बढ़ते जाएगा। वेट यहाँ पे वेट डब्ल्यू वन होगा, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू फोर, सब फाइनली जोड़ के W ही आएगा, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम हो जाता है W L Y 2 E 2 A E, ये हमारा हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, अगर सेल्फ वेट के कारण लग रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, अगर वेट को लग रहा है तो W L Y A इंटू E, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये, इलोंगेशन, सॉरी डिफ्लेक्शन नहीं, इलोंगेशन है हमारा, ये सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन हो रहा है, इलोंगेशन। क्लियर।